मधुबनी में 20 वर्षों से फरार डकैती कांड का आरोपी हुआ गिरफ्तार। बरहा, भैरवा और चांदपुर रट्टी में दे चुका है डकैती को अंजाम। मधुबनी के अरेर थाना पुलिस ने डकैती कांड के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उक्त आरोपी को उसके घर से छापेमारी कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान थाना क्षेत्र के माधव पट्टी के मोहम्मद शमशुल के रूप में की गई। अरेर थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कई डकैती कांडों में शामिल रह चुके हैं, जो 20 वर्षों से फरार चल रहा था। एसओचओ ने बताया कि उक्त आरोपी ने 2004 में बरहा गांव के राजू झा के घर भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है था। 2006 में भैरवा में कुद्दूस के घर व बीनी पट्टी के चांदपुर पट्टी में डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसे पुलिस पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी और वो पुलिस से बचता रहा था। न्यायालय के आदेश से कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी थी, लेकिन ये पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज डेस्क से इकरा आजमी की आवाज में बिहार मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube न्यूज चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। देखते रहें द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज।